आज की वीडियो में हम पांच ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आप भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद करने वाले हो, जिस वजह से हो सकता है आपका रिजल्ट उतना अच्छा ना आए जितना अच्छा आ सकता था। Hey guys, welcome back to this channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑपरेटिव हेयर ट्रांसप्लांट केयर के बारे में। ट्रांसप्लांटेशन तो आप लोग करवा लेते हो, लेकिन अगर मैं आपको कहूं ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आपके ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद जो केयर है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता हो, तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्चुअली आजकल लोगों का सबसे ज्यादा फोकस हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर पे होता है, लेकिन द रियल जर्नी स्टार्ट्स आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। अगर मैं आपको कहूं कि ट्रांसप्लांट की असली जो जर्नी होती है वो ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद से स्टार्ट होती है। सो गाइस, इसीलिए आज की वीडियो को हम लोगों ने प्रिपेयर किया। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, जो भी ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहा है या जिसने रिसेंटली ट्रांसप्लांट करवाया है। तो आज की वीडियो में सारी चीजें कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, कैसे आपको अपनी केयर करनी है जिससे आपका रिजल्ट आपकी तरफ से एटलीस्ट खराब ना आए। आज की वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर का क्या रोल होता है आपकी पूरी जर्नी में, और आपका क्या रोल होता है और आपको कैसे अपना रोल निभाना है। तो इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। एक एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के लिए। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhub.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका हेयर ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी होती है उसके बाद तीन फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, राइट? अब पहले हम उन फेजेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि उन फेजेस में आपका जो रूटीन होगा वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। सबसे पहला फेज होता है इमीडिएटली आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, जब आपकी सर्जरी हुई होती है जस्ट, राइट? अब बेसिकली इस फेज में सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना और अपने हीलिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, राइट? अभी एक्चुअली होता क्या है, आपका जो रेसिपिएंट एरिया होता है जहां पे बाल लगाए जाते हैं और आपका डोनर एरिया होता है जहां से बाल निकाले जाते हैं, वो दोनों ट्रॉमा में होते हैं। इसीलिए इन दोनों एरियाज को आपको रेस्ट देना है विदाउट एनी स्वेट। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको ट्रांसप्लांटेशन के जस्ट बाद स्वेटिंग से बचना है, आपको वर्कआउट नहीं करना, आपको दौड़ना नहीं है, राइट? क्योंकि स्वेटिंग से आपके डोनर और रेसिपिएंट एरिया में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कोशिश करें एक हफ्ते आप वर्क फ्रॉम होम ही करें टू अवॉइड द सन। आपको सन एक्सपोजर से बचना है एटलीस्ट एक हफ्ता। अब इस फेज में आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो फर्स्ट हेड वॉश होता है, या तो हो सकता है आपके डॉक्टर साहब को बताएं या फिर कुछ क्लिनिक्स में आपको खुद हेड वॉश करके भी दिया जाता है, लेकिन 95% क्लिनिक्स में आपको हेड वॉश घर में ही करना पड़ता है और आपको क्लिनिक्स में बता दिया जाता है कि आपको कैसे हेड वॉश करना है, राइट? फिर भी आपको अगर नहीं बताया गया तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, हमारे चैनल में वीडियो है आपको कैसे हेड वॉश करना है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। हजारों लाखों लोग उस वीडियो से हेल्प लेके अपना ट्रांसप्लांटेशन के बाद हेड वॉश अच्छे से कर चुके हैं। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया है, आप चैनल में जाइए, उस वीडियो को देखिए और अपना हेड वॉश अच्छे से करिए। इस पीरियड में आपकी मेडिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, और आपको कोशिश करनी है मेडिसिन प्लीज टाइम पे लें, एक भी टाइम मेडिसिन मिस मत करें। अभी हमने फर्स्ट फेज के बारे में बात करी, दैट वाज इमीडिएटली आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अब आता है सेकंड फेज, जो फेज होता है ट्रांसप्लांटेशन के 1 से 3 महीने के बीच का। अब देखिए, ये पीरियड काफी ज्यादा नेसेसरी पीरियड है, राइट? जैसे आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन स्ट्रेस फ्री वे में किया है, राइट, बिना टेंशन के किया है, वैसे ही आपको इस फेज में भी वही आउटलुक को मेंटेन रखना है। मतलब आपको स्ट्रेस फ्री रहना है ट्रांसप्लांटेशन के कम से कम 1 से 3 महीने तक। ट्रस्ट मी गाइस, इस फेज में ही मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती। जो ट्रांसप्लांटेशन में हेयर ग्राफ्ट को लगाया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, वो बाल वापस से झड़ जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल मंथ्स होते हैं। इन मंथ्स में कोशिश करें 1 से 3 महीने का जो फेज है, इस फेज में ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रहें, कम से कम शीशा देखें, क्योंकि ये फेज में आपका शेडिंग फेज भी होता है और आपका डोनर अच्छे से हील भी नहीं हो रहा होता। तो लोगों को लगता है कि जो हेयर लगाए गए थे, इम्प्लांट किए गए थे, वो भी झड़ चुके हैं, और जहां से बाल निकाले गए थे, एक्सट्रैक्ट किए गए थे, वो एरिया भी खाली हुआ है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको बस कोशिश करनी है कि आपका ध्यान सिर्फ अपनी बॉडी को हील होने की तरफ देना है, राइट? आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं करना है 1 से 3 महीने तक। आप कोशिश करें जो बॉडी जिस ट्रॉमा से गुजरी है, सर्जरी से गुजरी है, वो बस हील होते रहे अच्छे से। और उसके बाद आती है आपकी मेडिकेशन, जिसमें आपका मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्रेड या फिर PRP ट्रीटमेंट होते हैं। कोशिश करें ये सारी चीजें टाइम पे लें। मिनोक्सिडिल दिन में 2 बार आपको लगाना है। आपको पता होगा ऑब्वियसली, अगर आपने मिनोक्सिडिल ट्रांसप्लांटेशन से पहले भी यूज किया हो तो मिनोक्सिडिल दिन में आपको 2 बार लगाना होता था, राइट? इस फेज में भी आपको मिनोक्सिडिल दिन में 2 बार लगाना है। अगर फिनेस्ट्रेड रिकमेंड किए तो फिनेस्ट्रेड को भी उसी डोसेज के हिसाब से लेना है जैसे आपको डॉक्टर ने बताया। रही बात PRP ट्रीटमेंट की, तो देखिए मैक्सिमम क्लिनिक्स में PRP ऑफर की जाती है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, लेकिन
लेकिन अगर आपको क्लिनिक ने पीआरपी ऑफर नहीं की है, अगर आपको ये डर है कि मेरे क्लिनिक ने तो मेरे को पीआरपी के बारे में नहीं बताया तो मेरे रिजल्ट ना आए, ऐसा नहीं हो। पीआरपी के बिना भी ट्रांसप्लांटेशन का जो फाइनल रिजल्ट होता है वैसा ही होता है। पीआरपी सिर्फ आपके रिजल्ट को बूस्ट कर देती है। जो रिजल्ट आपका 8 महीने में आना होता है वो आपका 6 महीने में आ जाता है, राइट। तो इन चीजों को आपको टाइम टू टाइम लेना है। कोशिश करें एटलीस्ट मिनोक्सिडिल तो आप स्किप ना करें, डॉक्टर्स के साथ टच में रहें, राइट। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक हफ्ते तक डॉक्टर्स के टच में रहते हो, फिर नॉर्मल हो जाती है बॉडी तो आप डॉक्टर्स को भूल जाते हो, आप बस चाहते हो अब मेरा रिजल्ट आ जाए। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत चीजें डॉक्टर्स के टच में रहकर पता करनी होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं मिनोक्सिडिल का, आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, आपने फ्रंट में ग्राफ लगवा लिया, अब आपको अगर पता ही नहीं आपको मिनोक्सिडिल लगाना कैसे, तो आप मिनोक्सिडिल अपने एग्जिस्टिंग हेयर में भी लगाओगे और अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर में भी लगाओगे, अब आपका रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। लेकिन जब आप मिनोक्सिडिल लगाना छोड़ोगे, क्योंकि मिनोक्सिडिल तो 6-8 महीने तक लगाना है, तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ने लग जाएंगे। यहां आपने क्या गलती करी, आपने मिनोक्सिडिल अपने एग्जिस्टिंग हेयर में लगा दिया जबकि नहीं लगाना चाहिए था। आपको मिनोक्सिडिल सिर्फ अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर में लगाना होता है, राइट। अगर आपने एग्जिस्टिंग हेयर में मिनोक्सिडिल लगाना एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप छोड़ नहीं पाओगे, ट्रस्ट मी गाइस। अगर आप छोड़ोगे तो एग्जिस्टिंग हेयर वापस से झड़ने लग जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्लिनिक के साथ टच में रहिए ज्यादा से ज्यादा, राइट। एग्जिस्टिंग हेयर झड़ने से याद है गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी कमेंट में बताओ आपका हेयर फॉल कौन सी स्टेज में स्टार्ट हुआ था। मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ने वाला हूं, लोगों को पता लगना चाहिए कि हेयर फॉल इंडिया में कौन से ईयर में स्टार्ट हो जाता है। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो अभी के अभी नीचे कमेंट में लिख दो आपका कौन सी स्टेज में हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका था और अभी आप कितने एज के हो, क्योंकि मैं इस पे भी वीडियो बनाने वाला हूं कि आपका हेयर लॉस कौन सी एज में स्टार्ट हो जाता है और आपको कौन सी एज में ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आपका हेयर लॉस ज्यादा ना बढ़े। सो गाइस अभी हमने दो फेजेस के बारे में बात करी, अब बढ़ते हैं तीसरे फेज के बारे में जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म केयर आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, राइट। देखिए आपने अपना शॉर्ट टर्म में अच्छे से ख्याल रख लिया, आपने ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के जस्ट बाद अच्छे से मेडिकेशन ले ली, 1-3 महीने तक आप स्ट्रेस फ्री भी रहे, राइट। आपने अच्छे से केयर कर ली, अब बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ और आपको अच्छे रिजल्ट दिखने भी स्टार्ट हो गए। पर हेयर ट्रांसप्लांटेशन में एक मेजर फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं हेयर मेंटेनेंस, राइट, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, राइट। और ये स्टेप काफी ज्यादा जरूरी है। मुझे काफी लोग बोलते हैं सर आपके 6 साल हो गए ट्रांसप्लांटेशन का, हाउ यू आर मेंटेनिंग योर हेयर आफ्टर ट्रांसप्लांट, हमने रिजल्ट्स देखे हैं जिनमें 1 साल में ट्रांसप्लांट फेल हो गया। इनफैक्ट हमें काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जिनका 1 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट आया होता है लेकिन 3 साल में उनके बाल वापस से झड़ गए होते हैं, राइट। सो दे आस्क अस कि आप हाउ यू गाइज आर मेंटेनिंग योर हेयर, आप अपने हेयर को कैसे मेंटेन कर रहे हो 6-7 साल। ऐसे लोग भी कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने 15 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाए थे और उनके अभी तक हेयर बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारी जर्नी शेयर करें, हम अपने चैनल में जर्नी भी शेयर करेंगे। सो हेयर मेंटेनेंस का बहुत बड़ा रोल होता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद फॉर अ लॉन्गर पीरियड। इसमें बेसिकली आपको कुछ बहुत बड़ी मेंटेनेंस नहीं करनी, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि नेचुरल स्टेप्स हैं। सबसे नंबर वन, आपको एटलीस्ट अपने हेयर को लेकर टेंशन कभी नहीं लेनी। आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया, आपका रिजल्ट आ गया, भूल जाओ, अपने हेयर के बारे में सोचना छोड़ दो। कोशिश करो कि आपको टेंशन हेयरों के बारे में बिल्कुल नहीं लेनी। आपको नहीं सोचना कि मेरा रिजल्ट कितने टाइम तक अब टिकने वाला है, राइट। आपको अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना है, कोशिश करना है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहो रेदर देन कि आप अपने बालों के बारे में सोचते रहो। आपको डिफरेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज रहना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, आपको डाइट अपनी इंप्रूव करनी है और आपके बाल लाइफ टाइम रहने वाले हैं। अभी हमने बात करी 3 फेजेस के बारे में ट्रांसप्लांटेशन के बाद, अब मैं बात करता हूँ कि आपका रोल क्या होने वाला है इन फेजेस में, राइट। आपको इन फेजेस में क्या करना है अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व रखने के लिए। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हजारों वीडियो देखे होंगे रिजल्ट्स के बारे में यूट्यूब में, लेकिन बहुत कम ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया हो कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको कैसी केयर करनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसी वजह से आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में नहीं जानते और आप टेंशन लेते रहते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद, आप डाउट में रहते हैं कि अब इसके बाद क्या करना चाहिए, अब इसके बाद क्या होगा। देखो हेयर ट्रांसप्लांट को आपको प्री प्रोसीजर, प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर, इन तीनों पार्ट्स को डिवाइड करके तीनों में फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। आपको सिर्फ एक ही पार्ट पर फोकस नहीं करना कि प्री प्रोसीजर में ही फोकस करता हूं या मैं सर्जरी पर फोकस करता हूं या ट्रांसप्लांट के बाद की केयर में फोकस करता हूं। आपको तीनों फेजेस को फोकस करना पड़ेगा डिवाइड करके ताकि आपका रिजल्ट आए, क्योंकि गाइस तीनों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट को लेके। आपकी सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाए लेकिन अगर आपने केयर अच्छे से नहीं की तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आने वाला, या फिर आपकी सर्जरी अच्छी नहीं हुई हो तो आप कितनी भी अच्छी केयर कर लो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। या फिर अगर आपकी केयर बहुत अच्छे से आपने करी हो लेकिन आपकी प्री प्रोसीजर प्लानिंग अच्छे से नहीं की गई है तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इट विल लुक अननेचुरल। तो तीनों फेजेस की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए और आपको उसी हिसाब से केयर करनी पड़ेगी टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स, राइट। नंबर 2 पॉइंट, एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी है। अब आप जब इन्फॉर्मेशन लेने जाते हो तो मेरा हमेशा से ही यह आपका सजेशन रहता है कि आप रिलायबल सोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन ग्रैब करें। ऐसे नहीं किसी से भी पूछ के कैसे भी केयर कर लो कि भाई ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप सरसों का तेल लगाओ अगले दिन से, ऐसा नहीं होता। आपको रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए जहां से ट्रांसप्लांट कराया उन्हीं डॉक्टर से आपको कॉन्स्टेंटली टच में रहना है। एवरी वीक आई सजेस्ट, राइट। आपको इनिशियली
तो एवरीडे आप उनसे टच में रहिए, सर क्या करें अब क्या करें, क्योंकि फर्स्ट वन वीक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। और ऐसे ही किसी की भी बातों में ना हो, रिलायबल सोर्सेज पे ट्रस्ट करके इन्फॉर्मेशन ग्रैब करो, राइट। डोंट फॉलो दोज पीपल जिनको खुद का नहीं पता, जिनका खुद का रिजल्ट नहीं आया, उन लोगों को फॉलो नहीं करना। इस कैटेगरी में आपको बहुत सारे रिलायबल सोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे रिसर्च पेपर, बहुत सारे क्लिनिक्स की वेबसाइट में पूरा डेटा अवेलेबल होता है आपको कैसे टेक केयर करनी है। एंड यस, योर डॉक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वो आपके टच में हो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली किसी की। नंबर 3, लर्निंग व्हाट्स राइट फॉर योर हेयर, आपके बालों के लिए क्या सही है आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो, हेयर के डाउनफॉल में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका हेयर का टाइप क्या है और आपको पता ही ना हो और बिना जाने आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करने लगते हो, राइट, तो ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है आपके हेयर फॉल अगेन स्टार्ट होने का। मुझे अभी भी एक फनी इंसिडेंट याद है, कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, तो उसने मुझे बताया कि मेरा नॉरवुड स्केल ग्रेड 2 है। तो मैंने जब उससे पूछा तुम्हारा हेयर का टाइप कौन सा है, तो उसने मुझे बताया जब मैं ऑयल लगाता हूँ बालों में तो ऑयली हो जाते हैं वरना नॉर्मल है। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न योर हेयर टाइप, राइट, इसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। नंबर 4, स्टिकिंग टू द प्लान। अब हेयर केयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि अगर आपका हेयर केयर प्लान बन गया तो आप उससे हमेशा स्टिक रहोगे और उस साइकिल को आप कभी ब्रेक नहीं करोगे। तो आपको हेयर केयर रूटीन एक प्रॉपर बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेयर केयर रूटीन नहीं होना चाहिए, उसको सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करो, लेकिन एक हेयर केयर रूटीन डेवलप कर लो। उससे क्या होगा, आपकी हेयर साइकिल को उस चीज की आदत हो जाएगी और आपके हेयर बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रहेंगे। तो अभी तो हमने बात करी आपके रोल के बारे में कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपका क्या रोल होने वाला है उस केयर को करने के लिए। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की कि आपको डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ट्रांसप्लांट के बाद, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही वीडियो को प्रिपेयर किया है, जो डॉक्टर्स करते हैं ऑलरेडी लेकिन कुछ क्लिनिक्स में डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स के क्या रोल होते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद। नंबर 1, चेकअप्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। देखिए, डॉक्टर्स को एटलीस्ट पेशेंट के साथ हर 15 डेज या फिर 1 मंथ में टच में रहना चाहिए, उसके प्रोग्रेशन के फोटोज मंगाने चाहिए टू सी कि उसकी ग्रोथ जो है वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जर्नी को फॉलो कर रही है कि नहीं। इससे क्या होता है, पेशेंट भी मोटिवेट रहता है और डॉक्टर्स को भी आइडिया लगता रहता है कि क्या उसका रिजल्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, राइट। नंबर 2, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा केयर एंड एडवाइस टू द पेशेंट। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ डॉक्टर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट इज टू गिव द बेस्ट एडवाइस टू द पेशेंट, राइट। मतलब डॉक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद कि उसको बेस्ट एडवाइस दो उसके हिसाब से। देखो, होता क्या है कि जब आपने एक डॉक्टर से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया होता है तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। मैं आज भी 6 साल बाद भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर से टच में रहता हूँ, उनसे कंसल्ट करता रहता हूँ कि अभी मेरे एग्जिस्टिंग हेयर की क्या प्रोग्रेशन है, राइट। तो जिन डॉक्टर ने मेरा ट्रांसप्लांट किया था मैं आज भी उनके टच में रहता हूँ, क्योंकि ऐसा मैं नहीं, ऐसा मोस्ट ऑफ द पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। और डॉक्टर्स ही आपके हेयर के बारे में आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं, स्पेशली जिन्होंने आपका ट्रांसप्लांटेशन किया हो। तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट को बेस्ट एडवाइस देना उसके हिसाब से। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है लिसनिंग टू द पेशेंट। द फर्स्ट थिंग दैट अ डॉक्टर शुड डू इज टू लिसन द पेशेंट, राइट। जब पेशेंट से डॉक्टर बात करते हैं तो पहले डायग्नोसिस स्टार्ट नहीं होती, पहले वो पेशेंट से जानते हैं कि एटलीस्ट व्हाट पेशेंट इज गोइंग थ्रू, राइट। और हेयर ट्रांसप्लांट के किसी भी स्टेप में एक पेशेंट सिर्फ अपनी बातों को सुनाना चाहता है, उसके कंसर्न और डाउट उसके मन में एकदम से सेट हो जाता है और कॉन्स्टेंटली वो उस डाउट्स को लेके बैठा रहता है, सोचता रहता है कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, किससे बात करूं, किससे बात नहीं करूं, किससे अपनी बातें शेयर करूं। तो उस फेज में एक डॉक्टर्स ही उनकी बातों को वैलिडेट करके उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स के लिए पेशेंट को सुनना शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन एक और बात, डॉक्टर्स के साथ साथ आपको भी उनकी बात माननी है। जैसे मैंने आपको बोला आप डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपको भी उनकी सारी की सारी बात माननी है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको उनकी बात माननी है, आपको उनकी सारी की सारी बात माननी है जहां से आपने ट्रांसप्लांट करवाया। और अगर आपने इन फेजेस में अपने रोल को अच्छे से फॉलो कर लिया, डॉक्टर्स ने भी अपने रोल को फॉलो कर लिया, आपको अच्छे रिजल्ट्स देने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस और देखनी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस ऐसी लाने वाला हूं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।